दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेक राजद की ओर से द्वितीय चरण के चुनाव के लिए अब सिंबल वितरण किया जा रहा है। द्वितीय चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशी को 9 तारीख से 16 तारीख तक नामांकन पत्र दाखिल करना है। जैसी खबर मिल रही है कि जेल में बंद राजपूत के बड़े नेता आनंद मोहन सिंह और लवली आनंद के पुत्र चेतन आनंद को तेजस्वी यादव ने राजद की ओर से शिवहर का प्रत्याशी बनाया है। सूत्र के हवाले से कहा जा रहा है कि चेतन आनंद को शिवहर से प्रत्याशी बनाए जाने के लिए सिंबल दे दिया गया है और आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद को भी तीसरे फेज के चुनावों में सुपौल से प्रत्याशी बनाया जाएगा। जो जानकारी मिली है, आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी मिली है, जो सूत्र के हवाले से जानकारी मिली है कि आनंद मोहन सिंह के पुत्र चेतन आनंद को शिवहर से संबल दे दिया गया है और लवली आनंद को भी आश्वस्त किया गया है कि वो सुपौल से तैयारी करे, सुपौल से उसे संबल दिया जाएगा। अब बिहार में यादव राजपूत और मुसलमान की जबरदस्त गठजोड़ पूर्वक चुनाव हो रही है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव वादा के मुताबिक युवा वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा सिंबल देकर टिकट देकर लड़ाने का काम कर रही है। बहुत बड़ी पहल है कि युवा वर्ग को सामने लाया जा रहा है, युवा को रोजगार देने का वादा किया, युवा को राजनीति में लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, आप मेरे साथ जुड़े रहें। जो भी समाचार आएगा मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को धन्यवाद।